हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आजकल कंफर्म तत्काल टिकट बुकिंग होता है 10:05 के बाद या 10:06 के बाद या 11:05 के बाद या 11:06 के बाद। जस्ट मतलब पेमेंट वगैरह वाला ऑप्शन या आपका HTTC प्रॉपरली ढंग से 10:05 या 11:05 के बाद से अच्छे से वर्क करने लगता है, उसके बाद ही सीट मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मेरे इस तरीके से अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो शायद आप लोगों को भी कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं भी ऑलरेडी बहुत बार कंफर्म तत्काल टिकट का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं तत्काल टिकट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाया भी हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप कंफर्म तत्काल टिकट लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा क्या, कि आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे पहले मास्टर लिस्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद UPI से पेमेंट, मेन देखिए मेन पैसेंजर का नाम और पेमेंट फास्ट होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट फास्ट करने के लिए UPI सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। या आप कंप्यूटर से बुकिंग करें तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या मोबाइल से करें तो आप कहीं अपना UPI ID को कहीं कॉपी करके पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट करना आपको। ठीक है, पहले से आपको कॉपी कर लेना है, जब पेमेंट का मतलब करने जाइएगा तो उस समय आपको पेस्ट करके पेमेंट वेरीफाई करके आप अपना कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, UPI थोड़ा फास्ट बुकिंग होता है। तीसरा जो रीज़न मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जस्ट मैं कल क्या किया कि एक टिकट बुकिंग कर रहा था। जैसे कि आप लोग पता होगा कि हार्ड रूट जो होता है, बिजी रूट, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, ये सब ऐसा रूट है जो जिसमें जल्दी टिकट कन्फर्म नहीं मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर्वर एरर आता है। ठीक है, जिससे कन्फर्म सीट नहीं मिलता है। तो मैं क्या हुआ कि मैं 2-3 दिनों से कंप्यूटर से अपना मोबाइल पर्सनल फ़ोन से तत्काल टिकट कन्फर्म करने का बहुत कोशिश कर रहा था, बट मेरे से हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मेरे घर में एक एंड्रॉइड फ़ोन था जिससे कभी तत्काल टिकट बुकिंग ही नहीं हुआ था। तो मेरा मन में ऐसा कुछ आया कि चलिए एक बार उससे मैं बुकिंग करके देखता हूँ कंफर्म होता है कि नहीं। तो मैं उस मोबाइल फ़ोन के द्वारा मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर में हार्ड रूट का टिकट मैं कंफर्म बुक कर लिया हूँ, क्योंकि उस मोबाइल से मैं आज तक ले कभी तत्काल टिकट बुकिंग नहीं किया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अगर तत्काल टिकट बुकिंग करते अपने फ़ोन वगैरह से तो सारा डाटा वगैरह सब फ़ोन उनमें इधर उधर सेव हो जाता है। ठीक है, आपका मतलब जो भी IP एड्रेस वगैरह होता है, वो रेलवे क्या कैसा कैसा क्या क्या सिस्टम होता है ना, इसी के कारण थोड़ा आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान। अगर आपका नया IP एड्रेस या नया कोई सिस्टम मोबाइल वगैरह जो भी है उससे आप बुकिंग करके देखिए, 100% आपको कन्फर्म तत्काल टिकट मिलेगा ही मिलेगा, ना कोई सवाल नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मतलब जिस फोन से मैं टिकट बुकिंग किया था उससे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैं टिकट बुक कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसका ट्रेन नंबर 22650 एयरकार्ड एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि ईरोड से आपका चेन्नई के लिए जाती है, जिसका टाइमिंग है ईरोड में 9 बजे ये आपका ईरोड से खुल जाती है चेन्नई के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना पैसेंजर का डिटेल्स पहले से ऐड करके रखा था मास्टर लिस्ट में। ठीक है, और मास्टर लिस्ट में ऐड करने के बाद जैसे ही मास्टर लिस्ट शो हुआ, वैसे ही देखिए अभी आपका 11:01 हो रहा है। ठीक है, ऊपर में आप टाइमिंग देख पा रहे हैं, मैं आपको लाइव बुकिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसी फ़ोन में क्या क्या हूँ, मैं अपना UPI ID कॉपी कर चुका हूँ। ठीक है, आपको भी अपना कॉपी करके पहले से रख लेना है। ठीक है, दूसरा नंबर जो पेमेंट करिएगा उसके लिए आप एक अलग से फ़ोन रखिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे कि जैसे जो फॉर्मेलिटी होता है तत्काल टिकट बुकिंग करने का, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कैप्चा फिल कर ले रहा हूँ, जो जैसे कि आपको भी पता ही फिल करना पड़ता है, जो जो ऑप्शन आता है उसको आपको नेक्स्ट करना पड़ता है, प्रोसेस टू पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उतना तक कर चुका हूँ, मेरा रिव्यू जर्नी का डिटेल्स भी शो हो चुका है और मैं कैप्चा भी फिल कर चुका हूँ। ठीक है, 11:01 जिसके आप देख पा रहे हैं। इसके बाद भीम UPI का ऑप्शन आ चुका है, पेटीएम वाला, मैं उसको यूज़ करके पे क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपना UPI ID पहले से कॉपी करके रख लेना है, जैसे ही वो ओपन होगा उसमें को पेस्ट कर देना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा वो ऑप्शन आ चुका है, इसमें मैं जो जिसको मैं कॉपी किया उसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। देखिए, आप पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद ये देखिए आपको एक बार @YBL शो करना है, इसके बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, आपको याद रखिएगा आप दूसरा फ़ोन में आपको ये रिक्वेस्ट जाना चाहिए जिस फ़ोन से पेमेंट करिएगा। ठीक है, इस फ़ोन से नहीं, इससे क्या होता है कभी का लॉग आउट हो जाता है। जैसे आपको बैक करके आप पेमेंट करके इसमें आइएगा ना, तब तक क्या होता है लॉग आउट हो जाता है। इसीलिए मैं क्या किया हूँ कि इस फ़ोन से मैं बुकिंग कर रहा हूँ और दूसरे फ़ोन में मेरा रिक्वेस्ट आ चुका है उससे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने दूसरा वाला फ़ोन से पेमेंट कर चुका हूँ, जो रिक्वेस्ट आया था इसका जो फेयर था मैं पेड कर चुका हूँ। करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे, थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है, इसके बाद आपको सीट प्रोवाइड करता है कि आपका कितना नंबर कोच में कितना नंबर सीट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अभी भी आप टाइमिंग देख पा रहे कि 11:02 ही हो रहा है, और आप लोगों को पता होगा कि टिकट कैसे मिलता है, क्योंकि 11:05 10:05 के बाद ही टिकट विकट बहुत आजकल तत्काल टिकट मिलता है, वरना नहीं मिलता है।
तो इस फोन से पहली बार इस साल में मैं देखा हूँ 11:02 में टिकट मेरे को मिलता है कि नहीं, और फिलहाल तो मिल चुका है, ठीक है। और देखिए अभी भी भीम UPI पर प्रोसेसिंग पेमेंट 11:03 कुछ सेकंड हुआ है। देखिए आपका टिकट मेरा कंफर्म हो चुका है S5 में 65 नंबर लोअर बर्थ। देखिए ना सेम इसी तरह से आप भी अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बस अपना दूसरा एक बार फ़ोन अगर जो होगा जो घर में यूज़ नहीं होता होगा या बहुत नहीं हुआ होगा, आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई करके आप देखें। इतना कुछ करते हैं आप, दौड़ धूप करते हैं, एक बार ऐसे भी करके देखिए, आपको पक्का है कि कन्फर्म सीट मिलेगा। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके।